नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम व्यवसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स EFM पेपर प्रथम में यूनिट संख्या फर्स्ट में हमने कल के वीडियो में हमने पढ़ा कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र क्या है, व्यवसायिक अर्थशास्त्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या उसकी प्रकृति है, व्यवसायिक अर्थशास्त्र के क्या स्कोप हैं, क्या क्षेत्र हैं, उसके बारे में हमने वीडियो में पूर्व क्लास में हमने पढ़ा। आज हम इसी क्रम में आगे व्यवसायिक अर्थशास्त्र का क्या महत्व है या व्यवसायिक अर्थशास्त्र का व्यवसायिक निर्णयों में व्यवसाय में क्या भूमिका है या व्यवसायिक अर्थशास्त्र नीति निर्धारण में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है या व्यवसायिक प्रबंध में व्यवसायिक अर्थशास्त्र के क्या उपयोग हैं, क्या पहलू हैं, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या भूमिका है। तो रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स या इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में आज हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, जो कि आपके एग्ज़ाम में यूनिट संख्या प्रथम में बहुत बार विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। इसलिए ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से इसको देखिए, समझिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज हम टॉपिक लेते हैं व्यवसायिक अर्थशास्त्र का महत्व, व्यवसायिक अर्थशास्त्र का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं व्यवसायिक अर्थशास्त्र की क्या भूमिका है, या फिर इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि व्यवसायिक नीति निर्धारण में, व्यवसायिक नीति निर्धारण में व्यवसायिक नीति निर्धारण में व्यवसायिक निर्णयों में व्यवसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका। रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स या व्यवसायिक नीति निर्धारण में, व्यवसायिक निर्णय में व्यवसायिक अर्थशास्त्र की क्या भूमिका है, क्या उसका महत्व है, ऐसे भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि व्यवसायिक प्रबंध में व्यवसायिक अर्थशास्त्र की क्या भूमिका है, व्यवसायिक प्रबंध में व्यवसायिक अर्थशास्त्र की व्यवसायिक अर्थशास्त्र की या व्यवसायिक अर्थशास्त्र के उपयोग क्या हैं, उपयोग भी कह सकते हैं या इसको पहलू भी कह सकते हैं या महत्व भी कह सकते हैं, बात एक ही है। तो इस प्रकार तीन तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपको यही प्रश्न अटेम्प्ट करना है। तो
व्यवसायिक अर्थशास्त्र की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी भूमिका है, उसके बारे में हम संक्षेप में आज अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने से पहले इसकी बिंदुवार अपन चर्चा करें कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र का महत्व है। जैसा कि आप पूर्व के क्लास में पढ़ चुके हैं कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका है, महत्व है, का अध्ययन करने से पहले हम ये देखेंगे कि प्रबंध के क्या कार्य हैं, वो ही लगभग यही इसकी भूमिका या उसका महत्व के अंतर्गत आएगा। कि प्रबंध के कार्य जैसा आपने पढ़ा, नियोजन, संगठन, नियंत्रण, समन्वय, नीति निर्धारण, तो अलग अलग प्रकार के हैं। तो इसी प्रकार से हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी चर्चा आज करेंगे बिंदुवार। तो व्यवसायिक अर्थशास्त्र की इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। पहली महत्व है हम चर्चा करें कि संगठन में सहायक, हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजेशन। संगठन में सहायक, संगठन का मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके एक समूह बना लेते हैं, उसे अपन संगठन कहते हैं। संगठन अगर होगा तो व्यवसायिक अर्थशास्त्र या व्यवसायिक प्रबंध की क्रियाएं सही तरीके से क्रियान्वयन होंगी, सही तरीके से कार्य का निष्पादन होगा। तो ये संगठन में भी सहायक है, हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजेशन। संगठन में सहायक व्यवसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका या महत्व है, महत्वपूर्ण है। दूसरे पॉइंट की बात करें यहाँ पर, नियोजन में सहायक, हेल्पफुल इन प्लानिंग। जैसा कि आप पूर्व क्लासों में पढ़ चुके हैं, नियोजन क्या होता है? नियोजन भावी घटना का वर्तमान में ही अनुमान लगाना या वर्तमान में उसकी प्लानिंग लेके चलना, जिससे व्यवसायिक फर्म, उद्योग या व्यवसायिक सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके, सही तरीके से चल सके। तो हमें नियोजन करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होता है। तो नियोजन में भी सहायक निर्वहन करता है व्यवसायिक अर्थशास्त्र के महत्व में। तो इस प्रकार नियोजन में भी सहायक भूमिका का निर्वहन करता है। तो प्लानिंग, जैसे कि कोई भी फर्म, उद्योग, कंपनी जब हम खोलते हैं तो पहले अपने को प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस प्रकार से कार्य को संपादित करना है, किस प्रकार से इसको कंप्लीट करना है। तो इसी क्रम में आगे हम इम्पोर्टेंस में बात करेंगे निर्णय में सहायक, हेल्पफुल इन, निर्णय को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय में सहायक। निर्णय कोई भी घटना का पहले से अपने को अनुमान लगाना है, किस प्रकार का निर्णय लेना है, किस प्रकार का निर्देश देना है। तो निर्णय भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है व्यवसायिक अर्थशास्त्र में। इसकी भूमिका एक महत्वपूर्ण होती है। तो कोई भी कार्य करने से पहले एक अच्छा श्रेष्ठ निर्णय हम लेते हैं, विभिन्न विकल्पों में एक अच्छे विकल्प को चयन करते हैं, तो वो निर्णय होता है। तो निर्णय में सहायक एक व्यवसायिक अर्थशास्त्र के महत्व में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अगला, व्यवसायिक नीतियों के निर्धारण में सहायक, व्यवसायिक नीतियों के निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल इन बिजनेस पॉलिसीज। व्यवसाय में अनेक प्रकार की नीतियाँ
जब लागू होती हैं तो एक अच्छा व्यवसायिक प्रबंध की श्रेणी में माना जाता है, एक अच्छा व्यवसायिक अर्थशास्त्री के रूप में भूमिका का निर्वहन होता है। तो व्यवसायिक नीतियाँ उसके निर्धारण में भी व्यवसायिक अर्थशास्त्र एक सराहनीय एवं विश्वसनीय कार्य करते हैं, तो ये भी एक इसकी इम्पोर्टेंस में आता है। तो व्यवसायिक नीतियों के निर्धारण में भी ये सहायक भूमिका का निर्वहन करता है। आगे इसी क्रम में लागत नियंत्रण में सहायक, हेल्पफुल इन कॉस्ट कंट्रोल। लागत नियंत्रण में भी एक इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि लागतों को कम करके अधिकतम उत्पादन करना या अधिकतम विक्रय करना, अधिकतम लाभ कमाना, कम लागत पे अधिकतम उत्पादन करना या कम लागत पे अधिक उसको सेल आउट करना किसी वस्तु विशेष वस्तु को। तो लागत पे अपन जितना नियंत्रण करेंगे तो एक फर्म उद्योग कंपनी की बहुत अच्छी वित्तीय स्थिति होगी। इसलिए लागत नियंत्रण में सहायक एक महत्वपूर्ण बिंदु की श्रेणी में है, क्योंकि लागत नियंत्रण एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। तो लागत नियंत्रण में भी एक सहायक भूमिका का निर्वहन होता है। आगे छठे पॉइंट की हम बात करें, समन्वय स्थापित करने में सहायक, समन्वय स्थापित करने में सहायक, हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन। समन्वय, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में आपसी तालमेल या सामंजस्य समन्वय कहलाता है। तो समन्वय स्थापित करने में भी एक व्यवसायिक प्रबंध या व्यवसायिक अर्थशास्त्र की महत्व की श्रेणी में आता है, क्योंकि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में कोई कार्य करते हैं, उस कार्य को निष्पादन या उस कार्य को संपन्न करते हैं, तो एक सही व्यवसायिक अर्थशास्त्र की महत्व की श्रेणी में आता है। तो समन्वय एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी करता है। तो समन्वय स्थापित करने में भी एक व्यवसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका या महत्व में महत्वपूर्ण योगदान है। आगे इसी क्रम में सातवें पॉइंट की हम बात करें तो मांग पूर्वानुमान में सहायक, हेल्पफुल इन डिमांड फॉरकास्टिंग, हेल्पफुल इन डिमांड फॉरकास्टिंग। मांग पूर्वानुमान, जैसा कि आपको इस शब्द से ही है, मांग और पूर्वान, मांग किसी वस्तु विशेष की इच्छा, इसमें प्राइस मूल्य और स्थान सम्मिलित है। पूर्वानुमान भविष्य में होने वाला पहले से ही भावी घटनाओं का पहले से अनुमान लगाना, क्योंकि जैसा कि हम इसको उदाहरण के रूप में समझें, आगे सीजन में हम किसी का व्यवसाय करें, जैसे सर्दी का मौसम है, तो अपन पहले से ही अनुमान लगाएं कि कौन सा व्यापार अच्छा होगा, जिसमें स्वेटर हैं, कोट हैं, ये अपन लेके आएं। तो व्यवसाय एक अच्छे तरीके से या अच्छे सही तरीके से उसको अपन चला सकते हैं, क्योंकि भावी घटनाओं का अपने को वर्तमान में अनुमान लगाना है, जिससे एक अच्छे व्यवसाय या एक अच्छे व्यवसाय की श्रेणी में भी इसको मान सकते हैं। तो मांग पूर्वानुमान में भी इसकी भूमिका का निर्वहन होता है व्यवसायिक अर्थशास्त्र में। आठवां पॉइंट है, अनिश्चितता को कम करने में सहायक, अनसर्टेनिटी को कैसे डिक्रीज करें। तो ये भी एक व्यवसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका की श्रेणी में आता है कि अनिश्चितता, भविष्य में होने वाली कोई भी ऐसी घटना या ऐसी जिखम, उसको अपन पहले से ही उसको कम करके उसका अनुमान लगा दें तो वो अनिश्चितता है। तो अनिश्चितता को कम करने भी व्यवसायिक अर्थशास्त्र के इम्पोर्टेंस में आती है। नवा हम बात करें, भावी नियोजन में सहायक, हेल्पफुल इन फ्यूचर प्लानिंग। अपने को पहले से ही भावी प्लानिंग करनी चाहिए,
क्योंकि अगर अपन पहले से भावी अनुमान लगा लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से उस कार्य को संपादित कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से उसका निर्वहन कर पाएंगे। तो इस प्रकार भावी नियोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। तो ये भी एक व्यवसाय शास्त्र के महत्व में सम्मिलित है, क्योंकि नियोजन और भावी नियोजन लगभग एक सा बिंदु है। तो इसमें फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय शास्त्र की भूमिका का निर्वहन होता है। अंतिम बिंदु हम बात करें बाह्य वातावरण को समझने में सहायक, बाह्य वातावरण को समझने में सहायक, ये अंतिम बिंदु है इसकी भूमिका महत्व का, कि बाह्य वातावरण को अपने बाह्य वातावरण को अपने समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बाह्य वातावरण एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। क्योंकि बाह्य वातावरण को अगर अपन हम समझ लेंगे तो आसानी से भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। तो इस प्रकार भावी वातावरण में एक सहायक तरीके से भूमिका का निर्वहन होता है, क्योंकि बाह्य वातावरण में आंतरिक बाह्य दोनों घटकों को सम्मिलित किया जाता है। तो बाह्य वातावरण के अंतर्गत एक व्यवसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका में, उसके इम्पोर्टेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन होती है। क्योंकि जब अब अपन बाह्य वातावरण को आसानी से समझ लेंगे तो व्यवसाय की गतिविधियाँ आसानी से हो सकेगी। एक बार हम पुनः इनको बिंदुवार अपन अध्ययन करें तो आसानी से हम इसको इस प्रश्न का हल कर सकेंगे एग्जाम में। पहला बिंदु जैसा मैंने आपको बताया, संगठन में सहायक, इसमें कोई समस्या आपके नहीं आनी चाहिए। नियोजन में सहायक, भावी घटना का अनुमान लगाना या प्लानिंग के आधार पर चलना, ये भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपके। निर्णय में सहायक, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, पहले से ही अनुमान लगा लेना है, पहले से ही निर्णय करना है कि किस प्रकार से उस कार्य को किया जाए, तो निर्णय में भी सहायक है। एक व्यवसायिक नीतियों के निर्धारण में भी एक भूमिका का निर्वहन होता है, क्योंकि व्यवसायिक में होने वाली पॉलिसीज़ का क्रियान्वयन सही तरीके से किया जा सके। और लागत नियंत्रण में, समन्वय स्थापित करने में, मांग पूर्वानुमान में और अनिश्चितताओं कम करने में, भावी नियोजन को भावी वातावरण को समझने में सहायक। आगे हम इसी क्रम में अगले यूट्यूब आपके आपको वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में समष्टि अर्थशास्त्र के क्या प्रकार हैं और व्यवसायिक नीति निर्धारण में उसकी क्या भूमिका है और व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की क्या भूमिका है या व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो इसी शब्दों के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर हम समाप्त करेंगे एक छोटे से संदेश के साथ कि मुसीबतें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हारना गिर के ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। अपने को कोई भी निर्धारित लक्ष्य लेके आगे बढ़ना चाहिए, जो भी अपन टारगेट लेके चलते हैं उसको अपन पाना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि उठो जागो मेहनत करो जब तक आपको निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो आपको कठोर परिश्रम के साथ मेहनत करनी है जिससे आप परीक्षाओं में अच्छे अंक ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच।